दोस्तों फरवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में यानी कि 22-23 फरवरी के आसपास में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और इस यात्रा के दौरान वो गुजरात का एक दौरा करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की है कि भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो गुजरात में इसको बनाया जा रहा है। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो स्टेडियम आप पीछे देख रहे हैं, इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर आप दोनों लोगों का फोटो देख रहे हैं, स्टेडियम के पास में फोटो लगाया है, इस वजह से कि इस दौरे के दौरान पर, डोनाल्ड ट्रंप की इस दौरे पर, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसका उद्घाटन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही करवाया जाएगा। तो इसको लेकर देखो देखो आज का क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि हाल ही में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है। तो ये जो स्टेडियम है जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था, अब इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2015 में, 2015 में इस स्टेडियम को तोड़कर एक नया स्टेडियम बनाने का काम शुरू हो गया था। सारी चीज़ें बताऊंगा, समझते हुए चलना। यहाँ पर सिर्फ ये समझो कि मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है, उसका नाम चेंज करके सरदार वल्लभ पटेल इसके नाम पर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बनकर जब ये नया जो तैयार हुआ है वो स्टेडियम यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। और ये जो स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। और इस स्टेडियम का नाम कर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ठीक है, ये इसका नाम कर दिया गया है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये बन सकता है, अगर आपसे सीधे यही पूछ ले कि बताओ विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा कि इसको गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसा कि आप इस फोटो को देख सकते हैं, पहले इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ में इस स्टेडियम में जो लोगों की बैठने की संख्या है वो करीब 1,10,000 लोग एक साथ इस स्टेडियम में बैठकर मैच देख सकते हैं। जब ये पुराना, मतलब पहले जब इसकी कैपेसिटी थी, जब इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, तब इसमें करीब 53,000 लोगों की कैपेसिटी थी। और 2015 में इसको तोड़ दिया गया था, मतलब स्टेडियम को एक्सपेंड किया गया था, जिस वजह से 2015 से इसमें काम शुरू हो गया था और लगातार काम होते होते 2019 2020 तक ये लगभग कंप्लीट होने की कगार पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो आई होप ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर गुजरात के बारे में बात हुई है, तो इस वजह से गुजरात के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए, वो है विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल का नाम आपको पता होना चाहिए, वो है आचार्य देवव्रत सिंह। गुजरात की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, वो है गांधीनगर। तो ये तीन चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनता है कि हाल ही में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 है, इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो, बायो एशिया 2020 टूडेज, इसको अच्छे से देखेंगे यहाँ पर, ये वाला फोटो देख सकते हो जिसमें कि लिखा है बायो एशिया 2020, यानी कि 2020 का बायो एशिया जो सम्मेलन है वो 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में हैदराबाद, नीचे लिखा भी हैदराबाद में इसको आयोजित किया जा रहा है। और इस बार यानी कि इस बार का ये जो बायो एशिया है, इस सम्मेलन की थीम क्या है, इसकी थीम है टुडे फॉर टुमारो, ये इसकी थीम रखी गई है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी थीम यहाँ पर भी लिखी हुई है, इसमें लिखा है टुडे फॉर टुमारो, ये इसकी थीम है। साथ ही साथ में इस सम्मेलन में आखिर किया क्या जाएगा, देखो इस सम्मेलन का नाम है बायो एशिया, बायो का मतलब होता है जीव विज्ञान, तो इसमें क्या होगा, जितनी भी बायोलॉजी के क्षेत्र में कंपनियां काम कर रही हैं, बायो के क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनमें निवेश की क्षमताओं पर फोकस किया जाएगा, उनमें कैसे और ग्रोथ करी जा सकती है, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा।
दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जनवरी 2020 का जो मंथली पीडीएफ है उसे आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने से पहले आपको एक डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसके लिए आपको एक ऑफर कोड का इस्तेमाल करना है। आपको लिखना है ऑफर, इस कोड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ये 50 रुपये का पीडीएफ आपको मात्र 35 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। देखो, आज का जो अगला प्रश्न है वो आपका दिल खुश कर देगा। क्वेश्चन इस वजह से बनता है, क्वेश्चन देखो क्या बनता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने कर्मचारियों के लिए 5 दिन काम करने की घोषणा कर दी है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, एक हफ्ते में सिर्फ आपको 5 दिन काम करना है और 2 दिन आराम करना है। तो ये जो आधिकारिक तौर पर ये जो घोषणा करी है, ये किया है हाल ही में जिस राज्य में नई सरकार बनी है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस चीज़ की घोषणा करी गई है। तो एक तरीके से देखा जाए, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि महाराष्ट्र में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए आप देख सकते हो 5 दिन काम करने का प्रावधान यहाँ पर लाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही साथ में आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, 5 डे वर्किंग वीक, ठीक है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का फोटो देख सकते हैं जिसमें जिन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया है। और आगे आने वाली 29 फरवरी 2020 से आधिकारिक तौर पर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी की यात्रा पर गए थे, जिसके दौरान ही उन्होंने 63 फीट ऊँची पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इसका फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ पर इस मूर्ति को आप देख सकते हैं, जिसका हाल ही में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ में कई जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है घुमा फिराकर कि आपसे इस मूर्ति का हाइट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको क्लियर रखना है। अगर आपसे कोई पूछे हाल ही में मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कितनी फिट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तब आपको आंसर याद रखना है 63 फिट, 63, ठीक है, 63 फिट ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण जो है मोदी जी के द्वारा बनारस में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है रीडिंग मिशन हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। ये जो रीडिंग मिशन हरियाणा है, इसके तहत ही लोगों में पढ़ने की आदत डालने के लिए एक अभियान की शुरुआत करी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, हरियाणा की मुख्यमंत्री आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इस पूरे पैम्पलेट को मैं पढ़कर सुनाता हूँ, फोटो देखने से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इसमें लिखा है, चूंकि पढ़ने की हैबिट बनानी है, लिखा है पुस्तक देती है हमको ज्ञान, पुस्तकों से मिले समाधान, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस मिशन के बारे में लिखा है रीडिंग मिशन हरियाणा, जिसमें लिखा है जितने भी हरियाणा के उच्चतर शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को विकसित किया जाएगा इस मिशन के द्वारा। साथ ही साथ में लोगों को भी इनकरेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पुस्तकें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बने, किसी भी जानकारी को डिटेल में समझने की आदत बनाएं। इस वजह से हरियाणा सरकार के द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस बार यानी कि 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड्स का 65वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर फोटो में भी देख सकते हैं। यहां पर देखो लिखा है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड जो कि शुरू किया गया है। यहां पर ये वाला फोटो इसका बनेगा, वो पुराना फोटो मैंने लगा दिया था, इसमें देखो 2020 लिखा हुआ है। तो ये जो 65वां, ठीक है, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड है, जिसका की फोटो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में 65वां फिल्म फेयर अवार्ड को किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसको देखो किस राज्य में, शहर या फिर राज्य इसको मान सकते हैं,
तो इसको हाल ही में असम में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 65वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो 65th फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं इनको असम राज्य में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, कोई भी अवार्ड होता है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट मूवी का अवार्ड, ये दो चीज़ें आपको याद करनी जरूरी है, बाकी चाहे चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में दिए गए 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो जो बेस्ट फिल्म यानी कि बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है गली बॉय को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गली बॉय को प्रदान किया गया है। साथ ही साथ में इसका आप एक फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि गली बॉय में जो एक्ट्रेस हैं वो हैं आलिया भट्ट, रणवीर सिंह उसमें लीड एक्टर का रोल निभा रही हैं और ये भी उसी मूवी के कैरेक्टर हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि इस मूवी में इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो गली बॉय को बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ में इस पूरी लिस्ट को आप देख सकते हैं जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिस्ट बहुत बड़ी थी मैंने इसको कट कर दिया है, जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जा सकती हैं सिर्फ आपको वो याद रखनी है। जैसे कि बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है गली बॉय को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जोया अख्तर को गली बॉय के लिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड लीड रोल का मेल का वो मिला है गली बॉय के लिए रणवीर सिंह को, और बेस्ट एक्टर क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिला है आयुष्मान खुराना को आर्टिकल 15 के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल फीमेल किसे दिया गया है इसको भी याद रखना है, ये प्रदान किया गया है आलिया भट्ट को गली बॉय मूवी के लिए। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है अपना टाइम आएगा नाम का एक सॉन्ग है जो कि किस मूवी का है, ये है गली बॉय का ही है और जिसको डिवाइन और अंकुर तिवारी ने गाया है। इसी तरीके से बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल दिया है कलंक नहीं गाने के लिए अरिजीत सिंह को, ठीक है, कलंक मूवी के लिए दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस देश के किस राज्य में करी जाएगी। तो ये जो राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स है इसकी स्थापना गुजरात राज्य में करी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं अभी हाल ही में पुर्तगाल के जो प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए थे तो भारत और पुर्तगाल के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें कि गुजरात के लोथल में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो गुजरात में इसकी स्थापना करी जाएगी। अब आज के सभी प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, उससे पहले दोस्तों मैं और मेरी पूरी टीम आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को दिन में पढ़ते हैं फुर्सत में, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसा फील होता है हमारा करंट अफेयर्स देखकर। तो आज के सभी प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है कि बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसको हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके बाद में है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने कर्मचारियों के लिए 5 दिन काम करने की घोषणा करी है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न बनता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फिट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया है। तो बनारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न बनता है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत करी है। तो ये है रीडिंग मिशन हरियाणा, इस नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। वर्ष 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इस बार किया गया है 65वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड को किस जगह पर आयोजित किया गया है। तो इसको असम में आयोजित किया गया है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो गली बॉय को बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है। तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है। इसको गुजरात शहर के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस राज्य में करी जाएगी। तो इसकी शुरुआत इसकी स्थापना गुजरात में करी जा रही है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि भारतीय नौसेना
मिलन 2020 नाम का जो नौसैनिक अभ्यास है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना ना भूलें। इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको दिल से लाइक करें। हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके हर जगह शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।